वेलकम बैक। मैं हूँ आज़म फ़ारूक़ी। हम एक और वीडियो के साथ आपके पास आए हैं। आपकी स्क्रीन पे जो एक कोरमा मसाला का बॉक्स नज़र आ रहा है, चलिए हम आपको बताते हैं कि बनता कैसे है और मैंने इसको बनाया कैसे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें जो इसका स्ट्रक्चर रेडी करना है, यानी आउटपुट रेडी करना है, उसके लिए हम जाएंगे यहाँ से रेक्टेंगल टूल में, बॉक्स ले लेंगे। बॉक्स लेंगे, बॉक्स लेने के बाद इसको हमें साइज़ देना है, 2.2 इंच बाई 3 इंच, ठीक, इसका साइज़ रहेगा। उसके बाद इसका एक कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ 2 की जगह पे 1 कर देंगे, तो हमारा इसका एक हाफ़ साइज़ आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको इसका राइट कर देंगे। राइट करने के बाद कंट्रोल दबाकर इसको इस तरह से पलट देंगे। पलटने के बाद हम इस दोनों को ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट के साथ। उसके बाद क्या करेंगे, हमें कंट्रोल दबा कर इसको भी ऐसे पलट देना है। कंट्रोल दबा के इसको कॉपी करने के बाद इस तरीके से पलट देना है, ठीक है। पलटने के बाद इसको यहाँ से हमें कर देना है मिरर। ये हमारा साइज़ जो इस तरीके से रेडी हो चुका है। इसके अंदर हम वाइट फिट कर देते हैं फिलहाल, ठीक है। वाइट फिट करने के बाद इसका आउटर हम नन कर देते हैं, ठीक। माउस को राइट प्रेस करें तो इसका आउटर जो है नन हो जाएगा, या फिर F12 में जाने के बाद इसको नन कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसका कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको देंगे 1 पॉइंट, ठीक, 1 इंच। 1 इंच करने के बाद इसको टॉप करेंगे कि शिफ्ट दबाकर, उसके बाद कंट्रोल दबाकर इसको भी यूँ पलट देंगे। फिर इसका कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इस वाला ऑब्जेक्ट के हमें सेंटर एंड बॉटम करना है। बॉटम करने के बाद इसको भी कंट्रोल दबा कर यूँ पलट देना है। कंट्रोल दबाने से, दबा कर पलटने से ये होता है कि हमारा साइज जो सेम साइज रहता है, कम ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसका कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से जो हमें कर देना है 0.75, ठीक। उसके बाद इसको इसके इस ऑब्जेक्ट के टॉप कर देना है। टॉप करने के बाद कंट्रोल दबा कर इसको यूँ पलट देना है। पलटने के बाद इसको जूम कर लेना है, ठीक है। जूम करने के बाद कंट्रोल क्यू करना है, कंट्रोल क्यू माने कर्व करना है। कर्व करने के बाद हमें यहाँ जाना है शेप टूल में। सबसे पहले हमें नच को जो है यहाँ पे बढ़ा देना है, यहाँ कर देना 125, 0.125, मतलब 100, ठीक है। उसके बाद इसको कीबोर्ड के रेफरेंस से इसको राइट कर देना है और इसको लेफ्ट कर देना है, इस तरीके से। ये हमारा रेडी हो चुका है। इसको क्या करेंगे, कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको इसके सेंटर, फिर दोनों ग्रुप करेंगे। ग्रुप करने के बाद कॉपी, कॉपी करने के बाद इसके बॉटम, बॉटम करने के बाद इसको यहाँ इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको कंट्रोल दबाकर पलट देना है। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब इसके अंदर हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अब मेरे ख्याल से ये रेडी हो चुका है हमारा स्ट्रक्चर जो है। अब इसके अंदर हमें डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करने के लिए हम सबसे पहले इस वाले पार्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, दोनों पार्ट को, ठीक है। इसमें जो हमें कलर करना है, कलर करने के मेरे देखिए मैंने इसमें ये कलर कर दिया है, ठीक, ये सेम कलर। अब हमें करना है F11। F11 करने के बाद इस तरीके से हमारा कलर रेडी बन का आ जाएगा। हमें क्या करना है, वाइट की जगह पे हमें इसी कलर का हल्का कर देना है। इसका कुछ 10% 20% जो कम होता है वो देना है। इससे ये कलर देते हैं जो इसका हल्का सा। इसको यहाँ से हमें कर देना है मिरर, इस तरीके से कर देना है, ओके। तो इस तरीके से कलर इसमें आ गया है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसके अंदर ही सेम कलर फिल कर देना है। तो इस तरीके से हमारा ये कलर इस तरीके से यूँ आ जाएगा, इस तरीके से, मतलब डार्क और इधर लाइट आ जाएगा, ठीक है। इसका आउटलाइन जो हमें नन कर देना है, जो कि ऑलरेडी नन है, यहाँ लग रहा नन है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें अब करना है डिज़ाइन। डिज़ाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका दोनों अगेन कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको ले जाएंगे इस तरह टॉप, इस तरीके से ले जाने के बाद इसमें वाइट फिल कर देंगे, क्योंकि ऊपर जो हमारा वाइट आएगा, ठीक, इस तरीके से। अगर कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद टैप दबाएंगे, टैप दबाने के बाद इसको लेकर आएंगे नीचे की तरफ। यहाँ पर हमें पहले इसका जो है नज कम कर देना है, आप 0.01 कर देना है। उसके बाद सेलेक्ट करना नीचे वाले को, उसको नीचे लगाना हल्का सा, और इसमें फिलहाल 20% 60% ब्लैक फिल कर देते, नहीं 40% कर देते हैं। 40% ब्लैक फिल करने के हम जाएंगे फिर F11 में। F11 में जाने के बाद यहाँ पे इस तरीके से देखिए ऑटोमेटिक वाइट आ गया। वाइट आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से लेकर आना है इसको बिल्कुल सेंटर में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं एक और। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 22 आ रहा है, यहाँ 50 कर देंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में हमारा एक और आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर बिल्कुल वाइट फिल कर देना है। वाइट फिल करने के बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाना है। यहाँ जाने के बाद इसको यहाँ से पूरा वाइट कर देते हैं, इस तरीके से वाइट। और इसके अंदर हमें जो ब्लैक जो है फिर 40% ब्लैक कर देना है, यहाँ से कर देना है K की जगह पर 40% ब्लैक, ठीक है। इसको टैप दबा के ऊपर लेना है, उसके बाद इसको ओके कर देना है। इस तरीके से हमारा एक रेडी हो चुका आ गया है, ठीक है। अब इसके जैसे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद टैप दबाएंगे, टैप दबाने के बाद इसको इसके बॉटम कर देते हैं, जो हमारा ब्लैक वाला है इसके बॉटम कर देंगे। तो इसके नीचे एक और आ जाएगा, सॉरी, इसके नीचे टैप दबाने के बाद, कॉपी करने के बाद टैप दबाए इसको इसको इसके बॉटम करना है, इसके बॉटम कर देना है। अब इसके अंदर क्या करना है, जाएंगे एडिट में, यहाँ पे कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम आ रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिल पे ऑलरेडी क्लिक है, क्लिक करने के बाद इसको इसके अंदर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से इसके अंदर भी ये कलर आ चुका है, इस तरीके से, ठीक है। अब हमें ये सेंटर वाला बनाना है, इस तरीके से। एक जो रेड है
वो रेडी करना है इसका। फिर अगेन कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इसको हम इस तरीके से छोटा कर लेते हैं जितना हमें चाहिए, और इसको ऊपर ले आते हैं इस तरीके से, और इसको यहाँ से भी ऊपर यहाँ ले आते हैं, ठीक है। इसके हम फिलहाल डार्क रेड फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद हम यहाँ पे एक वो रख लेते हैं मार्क का, ठीक है, ताकि हमें इसको पहले टॉप कर देते हैं इसके, ठीक है, ताकि हमें सॉरी इसको थ्री डी के ऐसे कम करते हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमें इसको हल्का सा और नीचे लिखाना है। नीचे निकालने के बाद यहाँ आ जाएंगे शेप टूल, देंगे शेप टूल है, शेप टूल जाएंगे। अब पहले इसको कंट्रोल क्यू करना है, यानी कर्व करना है, कर्व करने के बाद शेप टूल इसमें यूज़ होगा, ठीक है। कर्व कर देते हैं, कर्व करने के बाद अगर जाएंगे शेप टूल में, शेप टूल से दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे दोनों नोड को। उसके बाद यहाँ पे देखिए आ रहा है कन्वर्ट टू कर्व, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको लेकर जाना है अंदर की तरफ इस तरीके से, ठीक है, हो गया। अब इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद एक हमें हल्का इसके बाहर हल्का सा एक सूत्र करीब जितना इसमें हमारा ये है, अब इसमें कलर कर देते हैं F2 से, ठीक है, इस पर कर देते हैं F2। मतलब बोले तो मैंने इसको शॉर्ट पर बना रखा है, कॉपी फ्रॉम प्रॉपर्टीज़ का जो मैं एडिट में भी किया था उसका मैंने शॉर्ट की बना रखा है F2 से जो आता है मेरे पास, ठीक है। ये भी मैं किसी वीडियो बताऊँगा कि किसी कमांड का शॉर्ट की कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे F11 में, ठीक है, शॉर्टकट का मैं बता रहा हूँ F11, इसको यहाँ से जो है 90 डिग्री पर ट्वीट कर देना इस तरीके से, तो ओके कर देना, तो आप ये इस तरीके से आ गए हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम जाएंगे F11, अगेन F11 जाने के बाद यहाँ पे जो हमें ये सेम परसेंटेज इस तरह पर हम बीच में एक ले लेते हैं और इसको 40 पर 50 कर देते हैं ताकि इसके अंदर कलर रहे, या फिर हम क्या करेंगे हम सेम कलर को F11 में जाएंगे, हम 20 सेंटेज लेने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर कर देंगे इसको एलिप्टिकल फाउंटेन फील, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें इस वाले पे हमें करना रेड फील बिल्कुल 100% रेड, यहाँ से CMY कर देते हैं क्योंकि अभी RGB नज़र आ रहा था, अब यहाँ पे 100% मैजेंटा और 100% येलो से ही रेड फील रेड बनता है, ठीक है। अब इसको यहाँ से हमें कर देना है रिवर्स फील, ठीक है, और रिवर्स फील कर इसको हम इस रेड कलर का और कम कर देते हैं, यहाँ पे कर देंगे 80 कर देते हैं, ठीक है, 80 मैजेंटा और 80 येलो और कम कर देते हैं इस तरीके से, ओके कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा इस तरीके का लुक आ जाएगा, हाँ, ठीक है। अभी हमें एक और ऑब्जेक्ट लेना है, यहाँ से रेक्टेंगल टूल ले सकते थे या फिर यहाँ से कॉपी कर ले सकते थे, हम रेक्टेंगल टूल ले लिया मैंने, तो सेंटर कर देते हैं हल्का सा और इसको इस तरह मिला देते हैं इस तरीके से, इस तरीके और इसको इसको सेंटर कर देंगे तो कम मार्जिन हमारा मिलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको ले जाएंगे ऊपर की तरफ, ऊपर आप इसको करेंगे कंट्रोल क्यू यानी कर्व करने के बाद शेप टूल से इस दोनों नोड को सिलेक्ट कर लेते हैं इस दोनों को, और फिर जाएंगे हम यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व में, उसके बाद इसको यहाँ पे सेंटर पकड़ के हल्का सा नीचे कर देंगे सेंटर में, ठीक है, ये इस तरीके से ऑटोमेटिक हो जाएगा हमारा। अब इसके अंदर कलर फिल करना है, वो ये कलर है, इसको आउटलाइन को हमें नन कर देना है, ठीक, मेरा माउस में थोड़ा पंगा आ रहा है, अगर आप उस मेरे वीडियो को इतनी मेहनत से बनाते हैं सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, तो मेरा भी काम हो जाएगा आप लोगों की दुआ से, ठीक है। तो इसे ऊपर ले आते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे हमें लगा रखना है ये चिकन कोरमा का एक बॉक्स लगा रखना है, सॉरी ये प्याला लगा रखना है, बॉक्स नहीं प्याला, ठीक है। अब इसे फिर नीचे वाले सेलेक्ट करते हैं, नीचे वाले ऑब्जेक्ट को उसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं, अब इसको हमें हल्का से नीचे लगा जाना है, इतना काफ़ी मेरे ख्याल से, नहीं ये ऊपर जाएगा और हल्का सा ऊपर जाएगा, ये नीचे मेटल लगाना है, ठीक है। अब इसको जो है हमें और हल्का सा ऊपर कर देना, सॉरी ये वाइट नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये कलर जो हमारा इसको ऊपर कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेटल आएगा वो मैंने टाइप कर रखा है, क्योंकि टाइप तो आप लोग भी कर लेंगे, मेरे टाइप करना कोई बड़ा मसला नहीं है। मैंने इसको आपको मैं फॉन्ट बताता हूँ, फॉन्ट कौन सा यूज़ किया मैंने, ठीक है, सेंटर कर देते हैं, ये फॉन्ट है, इस फॉन्ट का नाम फ्रैंकलाइन, ठीक है, गोटिक डेमी के नाम से है, इसको हमें नीचे ले आना, और यहाँ पे मैंने उर्दू में लिख रखा है कोरमा मसाला, ठीक है, इसको मैं कोरमा मसाले का भी जो है पैकेज बना रहा हूँ, तो इसमें से यहाँ पे कोरमा मसाला लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कोरमा मसाला लिखा जाएगा, इसके ऊपर लोगो आ जाएगा जो कि मैंने ये कोको का बना रखा है, इसको इसको बता दे रहा हूँ मैं कैसे बनता है, ठीक है, इसको इसको सेंटर कर देते हैं शिप, ठीक है, ये सेंटर आ गया, मेरे ख्याल से इसका कलर मेरे चेंज कर देना चाहिए था, इसका कलर मैं हल्का चेंज कर देता हूँ जो है ना, इसके अंदर जाएंगे हम यहाँ से एडिट में, सॉरी कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम, या फिर हम F11 में जाएंगे और इसका एक डार्क कलर ले लेते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर जो है इसका हल्का कलर ले लेते हैं ताकि इसका कलर का डिफरेंट हो जाए, इस तरीके से ले लेते हैं, ओके कर देते हैं, तो इस तरीके से इसका कलर का डिफरेंट लोगो कलर का डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये लोगो आता है, आप देखोगे काफ़ी प्रोडक्ट में लगा होगा एक ग्रीन सिग्नल वाला,
इसको यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक, अब हमें यहाँ पे देखिए ये लगाना है, ये मैंने बेल लग रखा है, अब इसको लेकर आना शिफ्ट पेज अप करना है और इसको इसके हिसाब से सेट कर देना है, इसको शिफ्ट पेज डाउन कंट्रोल पेज अप करना है एक एक करके, ताकि हमें जिसके ऊपर रखना है आ जाएगा इस तरीके से। बस ये ठीक है, ये कस और अंदर जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। और इस वाले को कॉपी करना है, एक और बेल को लेकर आ जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमें ज़ीरो कर देना है इस तरीके, मुझे सेम बेल चाहिए। ठीक है, इससे पहले कि हम इसमें पूरे में कलर कर लेते हैं, ठीक है, अब इसमें भी कलर करने के लिए हमें क्या करना है, हम सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे, हम पहले इसको ग्रुप कर लेते हैं इस तरीके से कंट्रोल जी, ग्रुप करने के बाद इसके लेफ्ट कर देते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा ये। उसके बाद क्या करना है, हमें इसके अंदर कलर करना है, कलर करने के लिए हम जाएंगे एडिट में, यहाँ पे आ रहा कोई भी प्रॉपर्टीज करो क्योंकि सेम कलर फिल होगा, तो हम इसको फिल कर देते हैं, कर देते हैं यहाँ पे हो गया। फिर जाएंगे F2, यानी सॉरी F में जो शर्ट बना रखा हूँ 2 का बना रखा हूँ, लेकिन ये जाएंगे एडिट में कोई भी, यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि इसका शॉर्टकट 2 है। ठीक है, हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमें इस पर क्लिक कर देना है अगैन, इस तरीके से हमारा ये इस तरीके से कलर आ चुका है। ठीक है, तो अब ये सब अच्छा लगेगा। अब इसके अंदर भी हमें सेम कलर करना है, हम जाएंगे यहाँ से 2 कलर, ठीक है, अब इसके अंदर करना है इसको पहले अंगूरू कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर डार्क कलर सेम आ जाएगा इस तरीके से, और इसके अंदर का सही, अब इसमें कलर जो है हमें कलर देना था कि ये कलर इस तरफ ही आए, हल्का जो हल्का लाइट कलर आ रहा है वो इस तरीके से इस तरफ आए। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे जो मीटर आएगा, वो मीटर जो है मैं ऑलरेडी बंद रख रखा हूँ, लगा ये मीटर यहाँ पर आएगा। ठीक है, शिफ्ट सॉरी मीटर अंदर चला गया, इसको शिफ्ट पेजअप करते हैं, अब मीटर यहाँ पर आएगा। अब ये बेल को हल्का सा और आप अंदर ले जाएंगे बाहर की तरफ इस तरीके से। ठीक है, हमें मीटर बेल जितना दिखाना है वो ये है इस डिज़ाइन में। ठीक है, और हल्का सा उस तरफ ले जाएगा आधा पार्ट। मेरे ख्याल से मुझे जो है ना इस चिकन को और हल्का सा ऊपर करना है ऐसे, अब ये ऊपर हो गया तो इसका मतलब ये कि ये ऑब्जेक्ट जो हमारा है और ये हल्का सा ऊपर, सॉरी ये वाला नहीं, जो मेरे लोगों का ऑब्जेक्ट है ये वाला, ये दोनों को ग्रुप इसको हल्का सा और ऊपर ले जाना है, क्योंकि चीज़ें सारी जो रखी जाती है वो जो हल्का डिज़ाइन कंट्रोल में आता है तो समझ आता है हमें जगह कितना कहाँ पर रखना है। तो फिर हम थोड़ी सी चीज़ रखते हैं उसके बाद सेट करते हैं, जैसे मैंने सारा चीज़ रख दिया है, अब मुझे पता चला कि जगह मुझे यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो हम इसको हल्का सा ऊपर कर सकते हैं, ये नहीं कि हम रख दिया तो रख दिया। ठीक है, अब कोरमा को हल्का सा नीचे कर देते हैं इस तरीके से, ये डिज़ाइन यहाँ तक हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें कुछ करना नहीं है, अब ये जो है बार कोड इसको यहाँ पर रख देते हैं, शिफ्ट पेज अप कर देते हैं। उससे पहले कि हमें यहाँ पर एक और चीज़ बनाना है, हम इसको क्या करना है, एक कॉपी करके यहाँ पर ले आते हैं, सॉरी कॉपी करना चाहिए, हमें कॉपी करके ले आते हैं यहाँ पर इस तरीके से, और इसको जो हमें इसके सेंटर में मिला देना, ताकि यहाँ पे इस तरीके से। ठीक, अब इसके अगर हम डार्क कलर कर देते हैं इसी का डार्क, ताकि नज़र आए हमने क्या किया। ठीक है, अब इस कंट्रोल दबा के इस कॉर्नर को हमको अंदर कर देना है, कंट्रोल दबा के इस कॉर्नर को अंदर कर देना है इस तरीके से, तो ये इस तरीके से यहाँ पे जो मुड़ेगा, जो देखेंगे बॉक्स लगाते हैं तो मुड़ने वाला जो होता है वो यहाँ पर आएगा, इसको टॉप कर देते हैं ताकि ये भी यहाँ पर आ जाए, इसको यहाँ से कलर देते हैं और मिला करके इसके अंदर वाइट फिल कर देते हैं। ठीक है, वाइट फिल करने के बाद इस वाले को ऑब्जेक्ट को नहीं, जो ऊपर वाला है इसको इसके सेंटर कर, इसके बिल्कुल इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये रेडी हो चुका है। अब जो है इसके अंदर हमें लगाना है मीटर। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम इसको अनग्रुप कर देते हैं, अनग्रुप करने के बाद ये वाला को कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद 90 डिग्री पे यहाँ पे रोटेट कर देते हैं इसको, 90 डिग्री पे रोटेट करने के बाद इसको हमें यहाँ लगाना है, इसको सेंटर कर देना, शिफ्ट पेज अप कर देना है। अब इस वाले कॉर्नर कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से 90 डिग्री पर रोटेट करना है और इसको यहाँ से 180 डिग्री पर करना है रोटेट। ठीक है, सॉरी 90 डिग्री करने के बाद इसको यहाँ से मिरर करना है। अब इसके अंदर सेम कलर फिल करना है, जो रेड हमारा कलर, सेम कलर फिल कर देते हैं, इसको हल्का सा नीचे कर देते हैं इस तरीके से, यहाँ पे आ जाएगा। और क्या लगा रखा है यहाँ पे मैंने, ये सेम मीटर जो ये वाला मीटर कॉपी करेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, ले आने के बाद इसको यहाँ पे भी 90 डिग्री कर देंगे रोटेट, और इसको यहाँ से कर देते हैं मिरर ऑथेंटिक। ठीक है, इसको हल्का सा मैं सॉरी कॉपी करके मैंने यहाँ से नहीं लाया था, तो एक कोई बात नहीं है, दोबारा इसको लगा देता हूँ, यहाँ पे ज़ीरो कर देते हैं, तो सेम साइज सेम चीज़ में आ जाएगा। और इसको यहाँ पे मैं इसके सेंटर कर देते हैं जी, क्योंकि मैंने इससे पहले इसको कॉपी नहीं किया था, तो यहाँ से ऑटोमेटिक गायब हो गया था। इस डिज़ाइन को मैं और अंदर करना चाहूँगा हल्का सा, डिज़ाइन काफ़ी बाहर हो रहा है, और इसको हल्का छोटा करना है, ये काफ़ी बड़ा है, उससे काफ़ी बड़ा है,
डिज़ाइन काफ़ी जगह ले रहे हैं। हाँ अब ये ठीक है, इसको और इधर भी कर सकते हैं, अब ये ठीक है। ये इस तरीके से आएगा, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी जगह ले रहा था, ठीक है। अगर छोटा कर दिया मैंने इससे तो ये सही सही आ गया। अब ये यहाँ पे मीटर भी सही जगह पे आ गया। अब इस मीटर का कलर जो हम हल्का सा चेंज कर देते हैं, ये कलर डाल देते हैं ताकि डिज़ाइन हल्का सा अलग लगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है जिसको मैंने कई चीज़ों में यूज़ किया है, क्योंकि ये मसाला के बारे में क्या क्या यूज़ है वो बता रहा है। तो फिलहाल मैं इसको चला देता हूँ, क्योंकि मीटर जो है मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि डिज़ाइन कैसे बनता है और आप कैसे इन चीज़ों को बना सकते हैं, बस एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, देखिए इस सबको इससे ग्रुप करना और इसको छोड़ देना है, ठीक है। ग्रुप करने के बाद इसको कॉपी करना है, कॉपी करने इसको सेंटर कर देना है और इसको यहाँ से हमें छोटा कर देना है इस तरीके से, ठीक। अब इसको ले देना है ऊपर, स्टॉप कर देना है इसके। अब हमें इसको एडजस्ट करना है, ये ठीक है, हल्का सा और छोटा करना है मामूली इसको, अब इस चिकन की कढ़ाई को कर छोटा कर देते हैं। और इसको बस और अंदर करेंगे यहाँ, ठीक। अब ये कुकू जो है ये आ जाएगा इसके सेंटर में और ये मसाला वगैरह कदम नीचे हो जाएगा ऐसे, ठीक है। हमें इस साइड पर का जगह छोड़ना है 100-200 करीब, तो मैं वो छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब ये सही है, अब कढ़ाई का और मामूल चाहे तो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे हल्का तो वाइटनेस जाएगा, जो कि जो डिज़ाइन फाइनल करेंगे तो हम यहाँ पे छोड़ेंगे, कटिंग के लिए छोड़ेंगे। तो मैं आपको डिज़ाइन बता रहा हूँ, आप जब पूरा चीज़ बताएंगे किसी वीडियो में कि कैसे कैसे इसको फाइनल करते हैं, कैसे छपने के लिए जाता है, इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे इसको, पूरा वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, देखते हैं कब मौका मिलता है बनाने का, ठीक है। अब क्या करें, इसको अंदर वाले को इसको पहले अनग्रुप कर देते हैं। अभी अंदर जो कलर पिंक वाला है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, जो रेड वाला हल्का रेड कलर जो है इसको हम लेकर आ जाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। आप क्या करना है, दोनों नोट को सेलेक्ट करना है, आप देख रहे हैं नीचे कर्व हो रहा है, तो दोनों नोट को सेलेक्ट करना है। दोनों नोट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं इसको कर देंगे कन्वर्ट टू लाइन, तो बिल्कुल ये इस तरीके से इसके लाइन में आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मीटर आएगा, जैसे मैंने ये यहाँ लगा रखा है, यही मीटर यहाँ पे आएगा, मैंने ये लगा टाइप कर रखा है एक मीटर, जो कि इसका नहीं है, बस मैंने टाइप कर रखा है, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा, अब ये जो हमारा ये जो है कलर ये बढ़ेगा, ठीक है। चिकन के अंदर आ रहा है, चिकन इसके अंदर है, क्योंकि हमें का बढ़ाना है इसको और इस डिज़ाइन को फिर कैसा बढ़ा देना है, बस जगह है, सॉरी दोनों से सेलेक्ट करने के, ठीक है। दोस्तों आप इसके अंदर जो है हमें मीटर लगाना है, जो मीटर ये है इसको सेंटर कर देना है, इसके सेंटर करने के बाद यहाँ पे इसी का कॉपी करके नीचे ले आएंगे इस तरीके से, यहाँ पे ये आ जाएगा। मैंने दो लगा रखा है, क्योंकि दो मीटर आएगा डिफरेंट सा, मैंने दोनों मीटर को सेम में ऐसे लगा रखा है, क्योंकि ये मीटर बस एक रखा है आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए, ये मीटर इस तरीके से यहाँ पर आएगा। इसके अंदर डायरेक्शन के अंदर मैंने एक कलर डिफरेंट कलर कर दिया और यहाँ पर डिफरेंट कलर कर दिया, ठीक है। इस तरीके से अगर ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, कोई मसला नहीं, कहीं भी जगह लगा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ और भी ले सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे कुछ मीटर आएगा, ठीक है, तो ये डायरेक्शन वाला मीटर जो एक और उठा कर ले आते हैं, इसको यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मीटर अलग अलग काफ़ी चीज़ें आता है मसाला के अंदर लिखने के लिए, तो अलग अलग चीज़ें आएँगी, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल ये सेम चीज़ ही लगा रखा है आपको, ठीक है। अभी एक ये मसाला का यहाँ डिज़ाइन यहाँ पर भी आएगा, इसको ऊपर कर देते हैं इस तरीके से, और एक यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, शिफ्ट पे जब करते हैं, ठीक। अब ये मीटर जो है ये वाला मीटर ये यहाँ पे आ जाएगा, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा डिफरेंट लगे, ठीक है। अब इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद एक ये एड्रेस जो है हमारा यहाँ पर भी आएगा इसके सेंटर में, ठीक है। चाहे तो इसको हम रिवर्स में ले सकते हैं या फिर ऐसे भी ये सही लग रहा है, ठीक है। ठीक है, और ये जो है इसको भी हम एक यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे लगा देते हैं, एक इसको यहाँ लगा देते हैं,
छोटा सा करके एक, सॉरी नहीं चाहिए। और यहाँ पर जो है ये डस्टबिन वगैरह रिसाइकल बिन का जो लोगो आता है वो भी हम यहाँ लगा सकते हैं, जो कि मैं लगा देता हूँ आपके सामने। ठीक, ये यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। और मैं कम कर देता हूँ, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डार्क लग रहा है तो कैसे कम कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये डिज़ाइन जो हमारा रेडी हो चुका है। प्लीज़ अगर आपको हमारा ये काम, हमारा डिज़ाइन पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी भूलें, ताकि सबसे पहले आपको हमारे डिज़ाइन का नोटिफिकेशन जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।